किसानों की आत्मा रोई है, खुद मैं भी पूरी रात नहीं सोया हूँ भाई साहब। 2022 में चुनाव आ रहा है, 2022 में जवाब दे देंगे, फिर कैसे रोएगा लगन में, कैसे मारा रोएगा। वो कथाकथित गोदी मीडिया है, वो अर्णब गोस्वामी है जिसे पुलवामा के अटैक से पहले मैसेज होता है कि बहुत बड़ा कुछ देश में होने वाला है। और एयर स्ट्राइक से पहले हमारे रक्षा मंत्री को नहीं पता, अर्णब गोस्वामी को पता है कि अब पाकिस्तान पे बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक होने वाली है। उसे लोकतंत्र देश में से खत्म हो चुका है और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। कल जब राकेश टिकैत साहब के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसानों के सीने पे एकदम पूरी किसानों की आत्मा रोई है, खुद मैं भी पूरी रात नहीं सोया हूँ भाई साहब। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी हो, सरदार हो, सब रोए हैं। बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, किसान पूरी रात नहीं सोए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बेशर्म जिनका हमारा अन्न खाते हैं उनको ही रुवा रहे हैं आज। 2022 में चुनाव आ रहा है, सुनो भाई साहब, 2022 में जवाब दे देंगे, फिर कैसे रोएगा सदन में, कैसे पहले रोया, कैसे पहले रोया, फिर रोएगा सदन में, भाजपा का पतन हो जाएगा 22 में। कुछ मीडिया चैनल ने ये भी दिखाया उस दौरान जब उनके आंसू निकल रहे थे, टिकैत साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा, कुछ मीडिया चैनल ने दिखाया, मैं खुद देखा भैया, मैं बताऊं, वो कथाकथित गोदी मीडिया है, वो अर्णब गोस्वामी है, वो है जिसे पुलवामा के अटैक से पहले मैसेज होता है कि बहुत बड़ा कुछ देश में होने वाला है। और अब तो मोदी जी आप बधाई हो, आपको कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं हटा सकता। और एयर स्ट्राइक से पहले हमारे रक्षा मंत्री को नहीं पता, अर्णब गोस्वामी को पता है कि अब पाकिस्तान पे बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक होने वाली है। वो गोदी मीडिया है जो हमारे इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जैसे हमारे साथी हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी, अंत में एक सवाल, पानी बंद कर दिया गया था, पानी तो नहीं बंद करना चाहिए? नहीं, ये कुछ भी बंद कर दीजिए। इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी गलती हुई जो इस सबके वोट दी, अब 2022 में इसे फिर कैसे रुवाएंगे। इन्होंने जो बिजली काटी है ना किसान की, इन्होंने अपनी पैर काट लिए हैं पैर, 2022 में डिब्बा ऐसे भर के ठोक ठोक के भेजेंगे, बहुत ही ढूंढो जिला पंचायत प्रधानी में दिखा देंगे, बता देंगे, फिर 2022 में बता देंगे, और 2024 में मोदी और अमित शाह गुजरात पहुंचा देंगे, थोड़ी पार नजर से पहले वहीं पहुंचा देंगे ना गुजरात। जैसा कि आपने सुना, किसानों का साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से किसानों की पानी बंद की गई, 2022 में सरकार का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देंगे, और 2024 में जो गुजरात के दो लोग हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको गुजरात पहुंचा देंगे। अपनी मेहनत से दो रोटी कमा रहा है उसका, वो दुख रहा मोदी को, आपको बहन जा उसके कज्जो के चून के रोटी खा रहा, वहाँ से बहन जा सांड हुआ पड़ा डाला, कहाँ से आए, उसे नहीं दिख रहा। आप मेरठ से आए, हम क्या कहेंगे आप पूरी प्रकरण को, पूरी प्रक्रिया ये है जो मोदी कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, किसानों की हत्या हो रही है, किसानों का गला घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने शाम को उत्तर प्रदेश के सीएम ने आदेश किया था डीएम को, गाजियाबाद वाले को, कि वहाँ से उनका धरना खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, चाहे उन पर लट बजाना पड़े, गोली चलानी पड़े, बाकी नहीं हटेंगे, चाहे कुर्बानी यहाँ से सड़कों पर लाश फैल जाए किसानों की, पर नहीं हटेंगे यहाँ से। अगर सीएम योगी और मोदी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहना चाहेंगे या तो सुधर जाओ, और नहीं सुधरने तो आप हमारे क्षेत्र में भग जाओ, इस्तीफा अपना इस्तीफा दे के और चले जाओ, हम अपना आप थाम लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, आपको कर लेंगे जैसे भी करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे तीनों बिल उल्टे लेने पड़ेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। अभी 26 जनवरी और है, 25 तक मोदी जी इलेक्शन आए यहीं डटे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे, इतना हटेंगे नहीं। आप कहाँ से अंकल? मैं तो यहीं से आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप तो पास में हैं, सब चीज देख ही रहे होंगे, क्या कुछ रात देखो में मैं क्या देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है, देश विदेश में भी देख रहे हैं लोग, अच्छे जी गलत तो ये हो ही रहा है, पानी बंद कर दिया गया। अच्छा होता तो अच्छे आदमी की तारीफ भी होती, अब ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत, तो इनको तो बड़ा कह रहे लोग, गलत किसानों के साथ हुआ तभी तो इतनी बड़ी भीड़ आई है। देखो सभी के साथ में गलत है, अगर महंगाई बढ़ती है तो गरीब पे भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ 50 दंगाइनों जो गुंडागर्दी करी लाल किले पे, तो पूरे देश का किसानों तो का दर नहीं है,
पूरे देश को गद्दार साबित कर दिया। हमारे भाई, हमारे बाप जो रोज मरण लगे, हर दिन 2 से 3 जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे तो हैं, और हमें इन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना है। और मैं एक आम जनता से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं किसानों की लड़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को है भाई। दो इन्होंने कह दिया अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया, दो आदमी ने स्टॉक खरीद लिया, अंबानी ने अडानी ने गेहूँ खरीद लिया, बाजार में निकाल लेगी नहीं भाई। हमने तो अपने खान लाग हमने वो बेचा जो हमारे फालतू हुआ, हमने अपने खान लाग रख लिया, हम तो खा लेंगे उसे। आप क्या करोगे? जो चीज़ 40 रुपये किलो है वो 80 रुपये किलो आपको खरीदनी पड़ेगी। और रही उस झंडे की बात, केसरी झंडे की बात, फिर मूवी आई केसरी अक्षय कुमार की, पूरा देश कह रहा, एक सॉन्ग था उसका, मेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, पूरा देश देशभक्त हो रहा उस झंडे को पकड़ के। और उसे लगते भाई गद्दार है वो खालिस्तानी झंडा, जब आज तक खालिस्तान देश नहीं बना तो झंडा कहाँ से बन गया? जो आज तक किसी ने भारत में खालिस्तानी झंडा देखा हो तो वो मेरे से मिलो, वो आके सबसे बड़ी बात यह है। और इसे इस किसानी जो बिल है, इससे हमसे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को है, यह माननी पड़े भाई। मार तो फांसी है ही, पर बचा कोई भी नहीं, और भी कोई नहीं बचने वाला। और आपसे भी एक धन्यवाद है जो अभी लोकल मीडिया है भाई, आपका सपोर्ट है, क्योंकि रात सही बताऊँ तो जान नहीं बची। जो बात है, मैं यहाँ रहने वाला, मोदी नगर के पास गांव है पेंगा, मगर यहाँ स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाऊँ, मैं रोज डेली पढ़ता था, मैं सुबह किताब लेकर बैठ गया, मतलब मुझे अंदर से रोना आया। इतने घर के कह रहे नहीं वहाँ मिल जाओ, वहाँ तो तेरा क्या मतलब है, किसानी खेत में कर रहे, पापा कर रहे खेती, वे करे अपना आप देख लेंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरे पे तो रुके जावे नहीं, गांव में से फ़ोन करके 50 बालक और बुलाए, 50 किलोमीटर दूर गांव है, मैं कहा मैं तो भाई जरूर जाऊंगा, कोई रोक लो, घर वाले रोके नहीं मानूंगा, क्योंकि अंदर जो दुख था ना अंदर। और राज वो ट्रेंडिंग की कह रहे हो आप, मोदी कायर # सबसे ऊपर चल रहा था, और राकेश त्रिकात का सबसे ऊपर चल रहा था, तो ये देश के लिए, हाँ ये लोकतंत्र देश में से खत्म हो चुका है, और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी तानाशाही है। और रही ये बात भी, अम्मा दम तो बाबा जी ने भी देख लिया अपना, जो कार्रवाई वो करेगा ना, मैं 1 घंटे में कार्रवाई करता हूँ, रात उसने भी दम देख लिया, जब भी वो रैपिड एक्शन पॉइंट 1:30 बजे उल्टा चले गई थी वो, उसने दम देख लिया कि हरियाणा भी साथ है, पंजाब भी साथ है। और सबसे बड़ी बात ये, पहले ये पंजाब हरियाणा को लड़ा रहे थे, अब तो खुलकर पूरा उत्तर प्रदेश साथ है, उत्तर प्रदेश को जोड़ी न रहती। और अब बात है बिल्कुल मान सम्मान की, पगड़ी उछाले जा रही है, किसान की इज्जत से जुड़ी है यह चीज़। पहले तो हमारा व्यापार था, नुकसान नफा है, अब जीत इज्जत से जुड़ चुकी है। जय हिंद जी। बिल्कुल देखा, ये दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और यहाँ किसान भी मौजूद है, यहाँ छात्र भी मौजूद है। छात्र का कहना है कि जब राकेश टिकैत साहब की आंखों में से जब आंसू निकल रहे थे, इनका भी आंसू निकल रहा था। ये अपने परिवार, अपने घर वालों से बोले, मैं किसी भी हाल में जाऊँगा, क्योंकि जो युवा है, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, या जिसको अपने देश से प्यार है, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। जिसको अपने देश से प्यार नहीं, वो ही नहीं आएगा, लेकिन जिसको अपने देश से प्यार है वो जरूर आएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।